हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लखनऊ विद विया। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मेरी जन्माष्टमी के दिन की है, और ये आपको जो दिख रहा है वो श्री कृष्ण जी का यानी कि मेरे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन है, जो कि ऊपर छतरी लगी हुई है। और ये सिंहासन में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाती हूँ। और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान वगैरह करा दिया है, अब सिर्फ इनका श्रृंगार करना बाकी है। श्रृंगार करने के बाद जो है इनकी पूजा होगी। तो आप देख सकते हैं, और ये है इनका वस्त्र जो कि अभी इनको पहनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का जो वस्त्र है वो इनको पहना के सिंहासन में विराजमान कर दिया है। और ये कितने ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, आप देखिएगा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और सिंहासन में बिठाने के बाद आप देख लीजिए, और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। और यहाँ पे मैंने इनको वस्त्र पहना दिया है, और इसके बाद इनका मुकुट होगा, माला जो देखिए कि मैंने पहना दिया है यहाँ पे, मोतियों की माला जो कि मैंने इनको यहाँ पे पहना दिया है। इसके बाद जो है इनको जो है इनका मुकुट पहनाया जाएगा। कुछ लोग इनकी पगड़ी, टोपी, मुकुट, जिसका जो आता है वो कहता है, हम लोग इसको मुकुट बोलते हैं। तो मैंने इनको पहना दिया है। उसके बाद हम इनको बांसुरी भी देंगे। उसके बाद तिलक वगैरह करके जो इनको पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। तैयार करने के बाद हम इनकी पूजा करेंगे। और जिस तरीके से भी मुझे पूजा करने आती है वो मैंने पूजा किया है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि पूजा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा विधिवत पूजा करते हैं, और कुछ लोग अपना छोटे में ही टाइम में ही कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मुझे आता है मैं वो पूजा करती हूँ, और इसीलिए पूजा मैंने किया है। और मैंने जब पूजा किया तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग तक भी शेयर किया जाए कि मैंने अब लड्डू गोपाल के किस तरह से वस्त्र पहना है और उनकी पूजा की है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो। यहाँ पे मैंने गेंदे की माला से जो है वो जो सिंहासन है उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा सजाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो मेरा मंदिर है उसके नीचे मैंने लड्डू गोपाल को रखा हुआ है और पूजा करना है यहाँ पे। और क्योंकि आज इनका दिन है, आज इनका बर्थडे है, जन्माष्टमी, तो मैंने यहाँ पे पूजा की। आप ये देख सकते हैं कि कितने ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पे मैंने उनका प्रसाद रख दिया है, थोड़े से दीपक रख दिए, अगरबत्ती रख दिए, धूपबत्ती रख दिए, और यहाँ पे रोली का टीका वगैरह लगा दिया है। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि जिस तरीके से मुझे पूजा करने आती है, जिस तरह से मैं करती हूँ, उसी तरह से मैंने किया है। मैं बहुत ज़्यादा विधिवत पूजा नहीं करती हूँ, और जितना मुझे आता है, मेरे नॉलेज में जितना मैंने देखा है, मैं इतना पूजा कर लेती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा ये डेकोरेशन, और जलाने लड्डू गोपाल जी का वस्त्र है और ये पूजा। अगर इससे रिलेटेड कोई राय है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे राय अपनी दे सकते हैं। और ये देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मन को मोह लेने वाले लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, हम लोगों ने आरती भी पढ़ी थी, लेकिन आरती जो है वो हम लोगों ने म्यूट कर दिया है मैंने, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, मेरे कान्हा जी का जो लड्डू गोपाल जी उनका वस्त्र और पूजा कैसा लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी मंदिर भी आप लोग देख लीजिए, ये मंदिर है ऊपर, सारे भगवान जी लोग, इनकी भी मैंने पूजा कर दी, और यहाँ लड्डू गोपाल जी की मैंने पूजा कर दी है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो भी आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।